पहाड़ से पाखी जंगल टे से ही जंगल रे रहुथिला विराट बड़ साप। दिने से ही साप उपरे गोटी विराट बड़ पत्थर टे लदी हे जाय थाए। साप जेते चेष्टा कला पत्थर टे निज शरीर उपर बाहर कर पाला नहीं। से बिकल रे चित्कार करू थाए। ठीक एही समय रे सेही बाट दे जणे लोकटी जाउथिला। साप से लोक को देखी साहाज्य मागिला। लोकटी भारी दयालु स्वभावर थिला। से देखिला सापटी कष्टरे चित्कार करूछि। मनरे विषाक्त सापर दंशन को मने पकाई प्रथमे से साप पाख को जीपकु टिके अमंग हला। तथापि कौनसी सजीव कष्ट पाउथिबार देखिले से सही पारुन थिला। से साप को साहाज्य करबा को कथा देला। तापरे पथरटी को साप ऊपर बाहर करी देला। साप एथरो भारी खुशी। सापटी शांति रे टिके निश्वास मारिला। तापरे से लोक को कहिला रह रह कुआडे तू जाउछो। लोकटी कहिला एबे तुम्हें तुम बाटरे जाओ मु मध्ये मो बाटरे जाउछी। खाली मो प्रति टिके दया मने रखिथिबो। प्रति बदल रे एबे तू मनीष प्रति दयालु हो। एतिकि कहि लोकटी बाहरी थाए ता बाटरे जिबा पई। ठीक एही समय रे भूई ऊपर को खसी जाई साप कहिला मु मानुची तुम्हें मो प्रति दयाशील किंतु एबे मु तते दंशन करिबी। लोकटी डरी जाई कहिला केड़े बेईमान दानव तू उपकारीर अनिष्ट करिबा कौन न्याय। सापटी कहिला एटा मनीष मानंकर प्रथा। लोकटी कहिला तू खाली बेईमान नहु मिछुआ मध्य तोर एमंत कथा प्रमाण करिबा कष्टकर। मु बहप करी कहुची तो कथारे एकमत हेला भली प्राणी ए दुनिया रे नथिबे। जदि ए कथारे एकमत हेला भली काहाकु पाऊ तेबे मत अंशिबु। साप जवाब देला भल कथा चल से गाई को पचारिबा। पाखरे गाईटी चरुथिला। साप गाई को जाई ए विषय पचारिला। गाई कहिला तू मनीषर प्रथा कथा कहुचु मो दुख को नहीं मु कौन कहिबी। से उपकार कले तार हानि करिबा उचित। अनेक वर्ष धरी मु जणे चासीर विश्वस्त सेविका थिली। दैनिक मुदा को पीबा पई खीर देइछि लहुनी पई बहलिया सर देइछि। एबे मु बूढ़ी होइछिबारु ता काम करि पारु नाही तेणु से मते गोचर रे छाड़ी देइछि। एठी चरी बोली मु मोटा हेबी। गला कले कौन सेइरा कि मते देखौथिला आसंता कले मो मांस होई बिक्री हेबी। एटा निश्चय मो दयार कु प्रतिफल। साप से लोक को कहिला देखिल मो जहा कहुतिली सत तैयार हुआ मु एबे दंसिबी। लोकटी कहिला रह दुईटा साक्षी नहेले अदालत रे कौनसी घटनार राय दिया जाए नहीं। आउ जणे साक्षी आण से जदि गाई कथारे राजी हुए तोर जहा इच्छा ताहा करिबो। सापटी एणे तेणे चाहिला। ता नजर रे गोटी विराट बड़ आंब गछटी पड़िला। से कहिला चल से आंब गछ को पचारिबा। एक कथा सुनी आंब गछ निजर डाल हलाइला। से दुखरे कहिला अनुभूति मते शिखेइछि मनीषर जहा उपकार करिबो प्रति बदल रे किछि कष्ट आशा रखिबो। मु कहार क्षति करू नाही अनेक थर उपकार करूछि। मो गछरु नै फल खांदी मो बाट दे जाउथिबा बाटोई माने मो छाईरे विश्राम नियंती। मो गछ मूळ रे सोई मने मने कहंदी ए डाळ रे फारसा बेंट करिहेबो। गछर काठ भारी बढ़िया मो घरर नुआ द्वार पई एथिरो खंडे काटी पकेली होंदा। मु चुपचाप से मनंक कथा सुनु थाए।
ଲୋକେ ଏମିତି ମୋ ଦୟାଶୀଳତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାପ କହିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ପଚରାଗଲା, ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏବେ କହ, ତତେ ଦଂଶିବି ତ? ଲୋକଟି ନିହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବେ। ଗାଈ ଆଉ ଗଛ କଥାରେ ସାପ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକଟିର କଥାରେ ସାପଟି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଲୁଆଟିଏ ବୁଲୁଥିଲା। ଲୋକଟି ସାପକୁ କହିଲା, ଚାଲ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଆମ କଥା କହିବା, ସେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦଂଶିବ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆ ତ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍, ସେ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ଚାଲାକ୍ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ, କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ସାପ କହିଲା, ମିଛ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସତ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ରହିଲ, ତୁମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତ? ସାପ କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବି, ପଥରଟି କେମିତି ଲଦା ହୋଇଥିଲା ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ବିଲୁଆଟି କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ସତ କଥା ତୁମେ କହୁଛ। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସାପ ଉପରେ ଲୋକଟି ପଥରଟି ଲଦିଦେଲା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ସେ ପଥର ତା ଉପରେ ଏମିତି ଲଦା ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନଥିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ସାପକୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ।